जो कि काउंटिंग शुरू हो गई है, ट्रेंडिंग भी आना कुछ देर में शुरू होगा, इसको लेकर काफी हमें पूरा यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन तीनों राज्यों में। जबकि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी वो कह रहे हैं कि हमें इस बार बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं, हम अकेले ही सरकार बनाएंगे और हमारे ईमानदार सारे विधायक इस बार चुनाव। अरे अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही हाथ डाल दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं साफ तौर से कि भाई अगर हम तो हारने की कगार पर हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए धर्म का कार्ड अगर खेला नहीं होगा तब हम जीतेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि उनकी हार है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसको दिग्विजय सिंह भी नकार रहे हैं, सब लोग नकार रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारे पास अब सिंधिया नहीं है, इसलिए हमारे पास धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाजी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी हंसी आती है, लेकिन आप सोचिए जरा 18 साल बाद भी जो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की मेहनत की है शिवराज जी ने घर घर जाकर, और जिस तरह का विश्वास है लोगों को उनके नेतृत्व में, और जिस तरह का काम हुआ है पूरे मध्य प्रदेश की, जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहां पे, जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से मोहर लगाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गए, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले ही से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। थैंक यू।